नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार जगत पिता ब्रह्मा को आकाशवाणी के द्वारा गायत्री मंत्र का ज्ञान हुआ और इसी मंत्र की साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई थी। गायत्री की विवेचना के रूप में ब्रह्मा जी ने चार वेदों की रचना की, इसलिए गायत्री को वेदों की माता कहकर संबोधित किया जाता है। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इस मंत्र को सभी मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र के हर एक अक्षर को एक धर्म शास्त्र के बराबर माना जाता है। इन अक्षरों के व्याख्या स्वरूप ब्रह्मा जी ने चार वेदों की रचना की और उनका अर्थ बताने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों धर्म ग्रंथ बनाए। इस ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान और विज्ञान है वह बीज रूप में इन अक्षरों में भरा हुआ है। गायत्री मंत्र के अक्षरों का गुंजन, स्वर विज्ञान और शब्दों की रचना एक ऐसे रहस्यमय आधार पर हुई है कि इस मंत्र के उच्चारण मात्र से ही हमारे सूक्ष्म शरीर में छिपे हुए अनेकों शक्ति केंद्र अपने आप जागृत होने लगते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर के अंग प्रत्यंगों में अनेक चक्र, उपचक्र, मात्रकाएं, ग्रंथियां, भ्रमर और मेरु जैसे कुछ गुप्त संस्थान होते हैं। इनका विकास होने पर साधारण से साधारण मनुष्य भी अनंत शक्तियों का मालिक बन सकता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ, सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के अद्भुत लाभ, माँ गायत्री के तेजोमय मंत्र का जाप करने से 24 देवीय शक्तियों की शक्ति और भक्ति का फल तथा आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके फल स्वरूप सांसारिक जीवन में सुख शांति और जीवन में हर क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में और रात को सोने से पहले इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से दुष्ट प्राणी, अग्नि, हवा, पानी और सांप आदि का भय नहीं रहता है। गायत्री मंत्र के नियमित जाप से सभी प्रकार के संतापों और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। शुद्ध कर्म और वचन से इस मंत्र का जाप करने पर शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक बाधाएं दूर होती है। महाभारत में एक प्रसंग के अनुसार भीष्म पितामह जब मृत्यु संज्ञा पर थे तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे जीवन में धन धान्य, वैभव, घर, पुत्र, धन और भौतिक सुखों की कमी नहीं होती है। इसलिए इस मंत्र को बहुत असरदार और बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, यह था आज का लाइफ चेंज देसी नुस्खा होम रेमेडीज। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें ताकि वे भी इन नुस्खों का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम हमारे हर वीडियो आपकी सेवा में पहुंचा सकें। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी चमत्कारिक होम रेमेडीज और नुस्खे के साथ में। तब तक के लिए विदा दोस्तों, धन्यवाद।